गुरुत्वाकर्षण भाग 5 प्रणोद तथा दाब। पिछले वीडियो में हमने द्रव्यमान तथा भार के बारे में जाना। इस वीडियो में हम प्रणोद यानी थ्रस्ट तथा दाब यानी प्रेशर के बारे में जानेंगे। मान लो तुम किसी रेगिस्तान में खड़े हो और तुम्हारे पैर रेत में गहरे धस जाते हैं। अब रेत पर लेट जाओ, तुम देखोगे कि तुम्हारा शरीर उतना नहीं धसता। दोनों स्थितियों में रेत पर लगने वाला बल तुम्हारे शरीर के भार के बराबर है। हमने सीखा है कि भार वो बल है जो लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है। इसलिए यहां बल रेत की सतह के लंबवत कार्य करता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत कार्य करने वाला ये बल ही प्रणोद कहलाता है। बल की तरह प्रणोद का भी SI मात्रक न्यूटन होता है। लेकिन जब तुम रेत पर खड़े थे तो क्यों धसने लगे और जब तुम लेट गए तो क्यों नहीं? इसे ठीक से समझने के लिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। क्या तुमने कभी ड्राइंग पिनों की मदद से किसी चार्ट को बुलेटिन बोर्ड पर लगाया है? तुम्हें ड्राइंग पिन के ऊपरी सतह पर बल लगाना होगा। ड्राइंग पिन पर यह बल बोर्ड की सतह के लंबवत कार्य करता है। पिन की नोक के द्वारा यह बल अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल पर लगता है। अब समझते हैं कि प्रणोद का सिद्धांत दाब से कैसे संबंधित है। हम दोबारा रेगिस्तान के उदाहरण पर चलते हैं, जब तुम रेत पर खड़े थे और लेटे थे। जब तुम रेत पर खड़े होते हो तब बल तुम्हारे पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर कार्य करता है और जब तुम रेत पर लेटे होते हो तब बल तुम्हारे शरीर के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर कार्य करता है। दूसरी अवस्था में संपर्क में आने वाला क्षेत्रफल अधिक है, इसलिए अलग अलग क्षेत्रफल पर समान परिमाण वाले बल का प्रभाव अलग अलग होता है। दोनों अवस्थाओं में प्रणोद समान है लेकिन इसके प्रभाव अलग अलग है। इस प्रकार हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर यह कार्य करता है। प्रणोद का प्रभाव तब ज्यादा होता है जब वो क्षेत्रफल कम होता है जिस पर यह कार्य करता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। पिछले समीकरण में प्रणोद तथा क्षेत्रफल के मात्रक रखने पर दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के सम्मान में दाब के SI मात्रक को पास्कल कहते हैं। इसे PA से व्यक्त किया जाता है। अब समझते हैं कि दाब तरल पदार्थों पर किस तरह कार्य करता है। ठोस की तरह तरलों में भी भार होता है। वे भी जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। अब देखते हैं कि ये हमारे अगले विषय उत्प्लावकता यानी बॉयंसी के किस प्रकार संबंधित है। लोहे और इस्पात से बना इतना बड़ा जहाज पानी पर क्यों तैरता है जबकि एक छोटी सी सुई पानी में डूब जाती है? अब इन दोनों घटनाओं में उत्प्लावकता की भूमिका समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक बंद ढक्कन वाली प्लास्टिक की बोतल लो और इसे पानी से भरी बाल्टी में डुबाने की कोशिश करो। तुम देखोगे कि बोतल पानी की सतह पर तैरने लगती है।
बोतल को पानी में डुबाने की कोशिश करो और तुम्हें एक ऊपर की ओर लगने वाले बल का अनुभव होगा। बोतल को बाल्टी की तली तक ले जाओ और फिर इसे छोड़ दो। तुम देखोगे कि बोतल वापस उछलकर ऊपर आती है और पानी पर तैरने लगती है। क्या गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर कार्य नहीं कर रहा है? ये उछलकर पानी की सतह पर क्यों वापस आ जाती है? बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है और पानी बोतल पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, जिसके फलस्वरूप बोतल पानी पर तैरती रहती है। इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बोतल पर लगने वाला पानी का बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक है। हम सीख चुके हैं कि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बोतल पर पानी से लगने वाला ऊपर की ओर बल इसके भार से अधिक है। ऊपर की ओर लगने वाला ये बल उत्प्लावन बल या उत्क्षेप कहलाता है और ये गुण उत्प्लावकता कहलाता है। अब ये समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं कि कोई वस्तु पानी में रखने पर क्यों डूबती है या तैरती है। एक पानी से भरा ग्लास लो। अब इस पानी की सतह पर समान द्रव्यमान वाले कार्क और कील को रखते हैं। तुम देखोगे कि कील डूब जाती है जबकि कार्क पानी पर तैरने लगती है। ऐसा दोनों वस्तुओं के घनत्व यानी डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से होता है। घनत्व को वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान से परिभाषित किया जाता है। इसका SI मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। कार्क तैरता है क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है, जिसका मतलब कार्क पर लगने वाला उत्प्लावन बल कार्क के भार से अधिक है। जबकि कील डूब जाती है क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, जिसका मतलब कील पर लगने वाला उत्प्लावन बल कील के भार से कम है। क्या तुमने कभी मृत सागर के बारे में सुना है? इस झील के पानी में नमक सबसे अधिक मात्रा में होता है और इसलिए इसके पानी का घनत्व इतना अधिक होता है कि इंसान भी इसमें तैर सके। लेकिन उन्हें ध्यान देना चाहिए कि ये पानी उनके मुंह में न जाए। किसी वस्तु के डूबने या तैरने में घनत्व की क्या भूमिका होती है, ये समझने के लिए हम एक आसान सा प्रयोग करते हैं। पानी से भरे दो ग्लास लो। पहले ग्लास में एक अंगूर डालो। अब दूसरे ग्लास में पहले कुछ चम्मच नमक घोलो और फिर एक अंगूर डालो। तुमने देखा कि पहले ग्लास में अंगूर डूब जाता है जबकि दूसरे ग्लास में अंगूर तैरने लगता है। पहले ग्लास में पानी का घनत्व अंगूर के घनत्व से कम है, इसलिए ये डूब जाता है। लेकिन दूसरे ग्लास में पानी और नमक के घोल का घनत्व अंगूर के घनत्व से अधिक है, इसलिए अंगूर तैरने लगता है। अब किसी वस्तु के भार में क्या परिवर्तन होता है जब इसे किसी तरल में डुबोया जाता है, ये देखने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। एक पत्थर का टुकड़ा लो और इसे धागे की मदद से कमानीदार तुला से बांध दो और कमानीदार तुला का पाठ्यांक नोट करो। अब इसे पानी के ग्लास में डुबाओ और फिर से कमानीदार तुला का पाठ्यांक नोट करो। तुम देखोगे कि पाठ्यांक में कुछ कमी आई है, जिसका मतलब
पत्थर के भार में कमी आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पत्थर पर ऊपर की ओर एक बल कार्य कर रहा है। हम जानते हैं कि ऊपर की ओर लगने वाला ये बल उत्प्लावन बल है, लेकिन किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का परिमाण क्या है? ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने इस सवाल का जवाब ढूंढ निकाला। आर्किमिडीज को इसका जवाब तब मिला जब उन्होंने देखा कि नहाने के टब में घुसने के बाद टब का पानी बाहर बहने लगता है। आर्किमिडीज सड़कों पर यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए भागने लगे, जिसका मतलब है मैंने पा लिया है। आर्किमिडीज का सिद्धांत यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है कि जब किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से तरल में डुबोया जाता है तो इस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जो कि वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत बहुत सी चीजों पर लागू होता है, जैसे कि पनडुब्बी और जलयान के डिजाइन बनाने में, दूध की शुद्धता की जांच करने वाले दुग्ध मापी में और द्रवों के घनत्व को मापने वाले हाइड्रोमीटर में। एक वस्तु पानी में डूबेगी या तैरेगी, इसके और पानी के घनत्वों की तुलना करके हम ये पता लगा सकते हैं। किसी वस्तु का घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात इस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये समान राशियों का अनुपात होता है। इस वीडियो में हमने प्रनोद यानी थ्रस्ट तथा दाब यानी प्रेशर के बारे में जाना।